क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 प्रॉब्लम नंबर 1.1 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। नाउ ग्लूकोज हमें पता है क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। हमें इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू, हमें सबका एटॉमिक मास लिखना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 × 6, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, आप इसका सम कर देंगे पूरे का तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, 72 प्लस 12 प्लस 96, और इन सबको सम कर देंगे तो क्या आंसर आएगा,